श्री राधे और जय जय श्री राधे श्याम। व्यासासन पर विराजमान अनंत श्री विभूषित समलंकृत विशुद्धानंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परम सिद्धे महाराज श्री को वंदन करते हुए कथा पांडाल में सभी विराजमान भगवत प्रेमी बंधुओं, आज अखिल भारतीय श्री बांके बिहारी सेवा समिति शाखा नरेला के द्वारा श्री राम कथा की दिव्य गंगा का द्वितीय दिवस पूज्य महाराज श्री की पावन उपस्थिति में आप सभी भक्तों की पावन सानिध्यता में यहाँ से शुभारंभ होती है। आज इस गंगा जिसे मंदाकिनी गंगा कहते हैं, महाराज श्री कथाओं के अंतर्गत निरंतर यही बात बतलाते हैं कि जेहे ही बार न मानस धोये ते कायर कलिकाल बिगोये। कलियुग के इस कराल ब्याल से यदि बचना है तो भगवान की कथा का एक सहारा, सदगुरु के का सहारा, कलाप गुरुदेव की महिमा को श्रवण कर रहे थे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा को लिखा तो सबसे पहले गुरु जी के वंदना की। लेकिन किसी ने तुलसीदास जी से एक बात बहुत बड़ा के अंतर्गत आप लोगों को बतलाएंगे कि जिस समय चित्रकूट में तुलसीदास जी विराजमान थे उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी पे के माध्यम से तुलसीदास जी को भगवान की पहचान हुई। तो कहने का तात्पर्य हमारे जीवन में सदगुरु जब आते हैं तो वह भगवान की पहचान कराते हैं, इन ग्रंथों की पहचान कराते हैं और हमको कुमार्ग पर जाने से रोकते हैं। आज 8-7-8 दिन पहले की बात है, एक पिक्चर शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, पीके पिक्चर। लेकिन क्षमा चाहूंगा मैं, पीके पिक्चर में इतना एक वो दिया हुआ है कि कोई भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध नहीं चढ़ाएगा, भगवान भोलेनाथ की उपासना नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा, एक काल्पनिक बातों को छोड़ करके, महर्षि कहा करते हैं काल्पनिक बातों पर समाज विश्वास करता है, अरे इन ग्रंथों पर विश्वास करिए। भोले बाबा को अनंत काल से जल चढ़ता चला आ रहा है, भोले बाबा को अनंत काल से दूध चढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो मैं निवेदन करूं कि काल्पनिक बातों पर ध्यान ना दे करके इन सदगुरु की बातों पर ध्यान दें, इन सदग्रंथों की बातों पर ध्यान दें। और जो महाराज श्री धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महाराज श्री के कंधे से कंधा मिला करके और हम धर्म को लेकर के चले, गुरु की बात को माने, तो आइएगा आज का ये द्वितीय दिवस पूज्य महाराज श्री की सुंदर सानिध्यता में आज के मुख्य यजमान श्री श्यामलाल मंगल जी, श्री ऋषि कुमार जी आगे आकर के श्री रामचरितमानस का पूजन करेंगे, परम पूज्य महाराज श्री का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद में सभी मिलकर के बड़े अपने करण विवरों के माध्यम से और अपने परमात्मा को पहचानेंगे। आइएगा भाव और श्रद्धा के साथ में यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पूजन करेंगे। तो जो भी भक्तगण वहाँ पर यहाँ विराजमान हैं, दोनों हाथों को यहीं से जोड़ेंगे, भाव और श्रद्धा के साथ में पूजन करेंगे। हरि ओम मा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा हस्तौ वृक्षाल्यम् आचमनम् कृत्वा ॐ केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः त्राचम्यो गोविन्देति हस्तौ वृक्षाल्यम् ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा हि अभ्यन्तरा शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनादो हस्ते अक्षतपुष्पाणादाय श्री सीतारामचन्द्रौ ध्यायेत ओम रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि एतानि पाद्यर्घे स्नानिगं जलं समर्पयामि ग्रंथोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः ओं देवसत्वा सवितुः प्रसवेशिनोर्वाहुयां भूषणोऽवस्ताभ्यां मा एतानि पाद्यर्घे स्नानिगं जलं समर्पयामि
जलोपरान्ते वस्त्रं निवेदयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम शीतवातूर्णसंत्राणां लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रोमता शान्तिं प्रियच्छमे। वस्त्रं निवेदयामि वस्त्रोपरान्ते गन्धं लेपयामि ग्रंथोत्तमाय नमः। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां क्रेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपहवये श्रियं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ग्रंथोत्तमाय नमः। अक्षतां समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पाणिं निवेदयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पाणिं परिकल्पयामि पुष्पोपरान्ते दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ओम काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ते परुकः परुकस्परी एवानो दूर्वे प्रदनुसहस्रेण सतेन च दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। सुगन्धद्रव्यं निवेदयामि। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमेव वन्दिनां मृतोर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मनसा धूपं दीपं च परिकल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षकुं शीष्णोर्द्वोः समवर्तत पदव्यांभूं प्रतिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। ग्रंथोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जलोपरान्ते कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओं वर्णानां अर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तथा च हनुमत्पूजनं श्री हनुमते नमः। पवनपुत्राय नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षिहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं श्री हनुमते नमः। सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं परिकल्पयामि तुलसीदेव्यै नमः। ॐ श्रीसदे लक्ष्मीसपत्न्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् इष्टन्यगाणां वैघाणा सर्वलोकं वैघाणा। ओम भगवत्यै नमः तुलस्यै नमः वृन्दायै नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। तथा च सद्गुरुपूजनम् ओम सद्गुरुदेवाय नमः। परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुवाहोरपरो हरे अवालिलोचनासंभुर भगवान बादरायण नेयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सद्गुरुभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। सज्जनों यजमान परिवार के द्वारा श्री रामचरितमानस का पूजन एवं परम पूज्य महाराज श्री का पूजन संपन्न हुआ। पूजनोपरांत स्वागत की वेला में आज जो भी भक्तगण हमारे बीच उपस्थित हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वह भक्तगण मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री दिनेश भारद्वाज जी शालीमार बाग से सहपरिवार मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री सुरेश चौहान जी बख्तावरपुर से सहपरिवार मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सुभाष मंगला जी सहपरिवार मंच पर आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रामकरण बंसल जी सहपरिवार मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री महेश गुप्ता जी सहपरिवार मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रवि जी श्री जय भगवान शर्मा जी मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भवाना से योगेश जी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भवाना से जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पर आए पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो भी भक्तगण पूट खुर्द से यहाँ पर उपस्थित हैं मंच पर आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। नागलोई से श्रीमती नरेश जी श्रीमती राज जी मंच पर आए महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वागत की श्रृंखला को यहीं पर विश्राम करते हुए द्वितीय दिवस की इस पावन मेला में पूज्य महाराज श्री की पावन श्रीमुख से आज के इस पवित्र सुंदर भागीरथी में राम कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे।
ऐसा पवित्र ये ग्रंथ है जिस ग्रंथ के माध्यम से जो इसकी पूजन करता है, घर में स्थापना करता है और अपने घर में इस ग्रंथ को रखता है, तो ये ग्रंथ राम कथा सुरधेनु सम, ये तो साक्षात सुरधेनु के सदृश है। और जैसे महाराज श्री गाय की सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा के माध्यम से जिस अस्पताल का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, ये महाराज श्री के जीवन का एक अलग लाभ है। जो आज महाराज श्री के जीवन में जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये क्या है, ये गौ माता की सेवा, गौ माता की कृपा से। तो आज आप लोगों, आप जैसे भक्तों को भी लगा करके महाराज श्री जो सत्कार्य कर रहे हैं, वे वास्तव में गौ माता का ही आशीर्वाद है। तो आज हम सभी भक्तगण पूज्य महाराज श्री की वाणी को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। इससे पूर्व सब
सीताराम की बांकी झांकी को नमन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को अपने सानिध्य में अपने पार्श में श्रोता के रूप में आह्वान करते हुए आइए उतरे इस कथा का। ये कथा गंगा ऐसी गंगा है कि जिसने भी इसमें डुबकी लगाई, जो भी इसके अंदर उतरा उसको वही मिला जो उसने चाहा। लेकिन हम उतरते ही नहीं। ये उस महापुरुष के मुख से निश्चित है जिसने भगवान के आने से पहले इसकी रचना कर दी। उस व्यक्ति के सामने इस कथा को परोसा जो इसको मानता ही नहीं था, जो रोज इंसानों को मारता था, रोज काटता था, रोज उल्टे काम करता था। लेकिन भाग्यवान है वो दिन जिस दिन तुम्हारी मुलाकात किसी महापुरुष से हो जाए, किसी संत से हो जाए। क्यों? क्योंकि संत के मिलने से ही विवेक जागेगा। जैसे मथानी के माध्यम से ही घी निकाला जा सकता है, बगैर मथानी के मक्खन नहीं मिलता, नहीं निकलता। इसी तरह संत के मिले बगैर विवेक जागृत नहीं होता। और जब तक विवेक जागेगा नहीं, हमें शांति मिलेगी नहीं। ये भी लिख लेना, जब तक तुम्हारा विवेक जागेगा नहीं तब तक शांति नहीं। चाहे गाओ, चाहे पूजा करो, चाहे आरती उतारो, चाहे हवन करो,
चाहे यज्ञ करो, कुछ भी करो, और वो जागृत होगा किसी संत के सानिध्य से। इसलिए भाग्यवान है वो दिन जिस दिन तुम्हारी मुलाकात किसी संत से होती है। ऐसा ही प्रसंग इसकी शुरुआत में आता है। क्या देव ऋषि नारद जा रहे थे, रोक लिया एक दुष्ट, लूटने की इच्छा थी, बांध लिया लूटने के लिए। देव ऋषि नारद ने पूछा, क्या मिल जाएगा तुझे लूटने से, कि मेरे परिवार का पेट भर जाए, कहीं परिवार तुम्हें कह रहा कि तू ये पाप कर। दूसरी बात, उस परिवार से तूने पूछा है कि जो तू कर रहा है उसका फल जब भोगना पड़ेगा तो क्या वो भोगेंगे, तो उसका जवाब यही था कि जो खाएगा भोगेगा क्यों, कि पहले पूछ के तो अपने परिवार से वो भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। कहा तुम भाग गए तो कहा मुझे अपनी रस्सी से बांध जाओ किसी वृक्ष, संत को बांध दिया और बांध करके वो चला गया घर। कुछ पत्नी से पूछा, बेटे से पूछा, माँ से पूछा, पिता से पूछा, जो भी घर में सदस्य थे सबसे पूछा कि जो मैं कर रहा हूं जब फल भोगना पड़ेगा, जब नरक में जाना पड़ेगा तो जाओगे। सार यही है कि सभी ने मना कर दिया। वो वापस आया, उसने कहा सभी ने मना कर दिया, काफिर इस पाप को लेकर के तू कहाँ जाएगा, मुश्किल से तो इंसान की योनि मिली है और इसमें भी इतना पाप इकट्ठा कर रहा है, कहाँ लेकर के जाएगा। रो पड़ा महात्मा के सामने। महात्मा जी कहते बहुत पाप किया, रोज पाप करता रहा, अब क्या करूं। कहा बेटा राम जप, महात्मा कहकर के चले गए। लेकिन बुद्धि इतनी कमजोर थी कि राम नाम याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति पाप ज्यादा करता है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, पाप से बुद्धि कमजोर होती है। जैसे लैंटन या लैंप या बल्ब जब ज्यादा रोशनी हो जाती है या तो फ्यूज हो जाता है या फिर काला पड़ जाता है, ठीक इस तरह जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, उसकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अब देखिए इतने पाप किए उसने, उसको राम नाम याद नहीं रहा। अब विचार कर सोचता रहा वो महात्मा क्या बोल के गया था यार, कुछ तो बता के गया था, क्या कह के गया था कुछ याद। अंत में याद आया भी तो राम नहीं याद आया, मरा है। वाह, मरा गया कि गया। लेकिन मेरे राम का नाम ऐसा गोल भटोल है, उल्टा बोलो सीधा हो जाता है। बैठ गया समाधि लगा के, मरा 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 मरा। समाधि सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि नाम बहुत बड़ा है,
नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी भगवान की महिमा है। राम ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया होगा, लेकिन मेरे राम के नाम ने तो लाखों जिनकी बुद्धि अहिल्या बन चुकी है, पत्थर बन चुकी है, उनका उद्धार किया। इसलिए हमें जप करना चाहिए। जब उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीक भय ब्रह्म समाधि सिद्ध। और एक बार अगस्त ऋषि के साथ यमुना स्नान करने जा रहे थे, रास्ते में एक क्रौंच नाम का पक्ष, बड़े ध्यान से सुनिए, वो क्रीड़ा कर रहे थे दोनों, जिसको तुम्हारी भाषा में सारस भी कहते हैं। वो पति पत्नी का जोड़ा इकट्ठा रहता है और उनका नियम है को यदि एक मार दिया जाए तो दूसरा अपने आप मर जाए, दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, उनमें लगाव इतना होता है, उनमें प्यार इतना होता है, एक को मार दो दूसरा अपने आप मर जाए। तो किसी शिकारी ने एक को मार दिया तो दूसरा बेचारा चिल्ला चिल्ला करके मर गया, और इस दशा को उसने देखा, उसके मुंह से श्लोक निकला है, मान निषाद प्रतिष्ठां तो गमस शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेकं अवधि काम वाहि। अरे राजा, इस विराग बेचारे सारस ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? आराम से खेल रहे थे, आराम से मस्ती कर रहे थे, तुझे कितना बड़ा पाप लगेगा तू जानता है। देखिए ये वही इंसान है, ये वही इंसान है जिसने रोज आदमियों को मारा, रोज आदमियों को काटा, और एक संत की बात मान करके जब राम के नाम में लग गया तो कितना द्रवीभूत हो गया। आज क्रौंच नाम के पक्षी के मारने से उसको गाली सुना, एक दिन खुद मारता था, तब दया नहीं आती। तुम्हारे मन को कोमल बना देता है, तुम्हारे मन को प्यारा सा बना देता है, वो सहज बना देता है तुम्हारे मन को, इतना सहज बना देता है कि द्रवीभूत हो जाता है। उसको भी आश्चर्य हुआ कि मेरे अंदर से श्लोक कैसे निकला, ऋषि के मुंह की तरफ देख रहा है वो, ये श्लोक निकला तो निकला कैसे? आकाशवाणी, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो, एक श्लोक नहीं तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकले। क्या आकाशवाणी है, तुम्हारे मुख से 100 करोड़ श्लोक निकलेंगे। एक अनपढ़ आदमी और आकाशवाणी कह रही 100 करोड़ श्लोक निकलेंगे, और वही रामायण की रचना करने बैठ गया, 100 करोड़ श्लोक निकले, लेखन कार्य करने के लिए बैठ गए। बताइए तुम इधर उधर के बत्ते मारो क्या ना, तुम जाप कर लो चल बैठ के, इंसान तुम भी हो, इंसान वो भी हो, और भगवान का नाम इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा भगवान भी है। इसलिए उस व्यक्ति ने एक संत की बात मानने से यदि उसको स्वीकार कर लिया तो एक दिन इतना बड़ा हो गया वो कि राम के आने से पहले ही रामायण की रचना कर दी है। लेकिन राम ने तो नाटक खेल के दिया, लोग बात कह भी देते कई बार, महाराज जी जब राम आए ही नहीं थे तो रामायण की रचना कैसे हो गई, जब राम आए ही नहीं गए तो रामायण की रचना कैसे हो गई। हमारा जवाब यही होता है कि भैया नक्शा पहले बनाते हो या बिल्डिंग, बोलो
नक्शा ना पिक्चर लिखी पहले जाती है, बाद में खेली जाती है, बाद में पात्र बन जाती है। इसी तरह लिखा सब कुछ पहले, तुम्हारे आने से पहले भी तुम्हारी जिंदगी के बारे में लिखा जाता है। क्या यहां आकर तो भगवान का नाम लेकर आगे का सुधार कर सकते हो, इस जिंदगी का भी सुधार कर सकते हो और अगली जिंदगी का भी सुधार कर सकते हो, लेकिन हम तो अगले पिछले का सारा मलिया मिट कर दे यूं सोच के, जैसे यहीं पर कब्जा कर करे पागल आदमी। तेरे दादे पड़दादे नहीं रहे तो तू कहां रहेगा? क्या तेरे दादे पड़दादे मर जाते हैं पता नहीं क्यों, आए ऐसा नहीं हुआ, आए ऐसा नहीं हुआ, आए ऐसा हो गया, मर जाते। जो शास्त्र कह रहा है, जो कथा कह रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, कहीं और भागने की कोशिश करो, कहां जा रहे हो? और पिछले जन्म में तो एक डाकू के रूप में पैदा हुए और जब रामायण की रचना की वही महर्षि वाल्मीकि अगले जन्म में दो संत तुलसीदास बन गया। कली कुटिल जीवन स्तारण हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, कवि कुटिल जीव निस्तारण है वाल्मीकि। देखा वही तुलसीदास, पंद्रह सौ छप्पन में जन्म, लेकिन बड़ा विचित्र था। एक तो बारह महीने में पैदा हुआ, देखिए पिछले दोष का मतलब क्या हुआ। पिछला जो दोष कर रहे हो उसका परिणाम क्या हुआ, और जो पुण्य किया उसका परिणाम क्या हुआ। एक तो बारह महीने में पैदा हुए और नौ महीने के बाद पैदा हो जाते हैं, बारह महीने के बाद पैदा हुए। दूसरा बत्तीस के बत्तीस दांत मौजूद थे। तीसरा अभूतपूर्व नक्षत्र में पैदा हुए। इलाहाबाद से 85 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर गांव। अब की बार जो मैं कथा करके आया हूं तो उस गांव के कुछ लोग थे जो इलाहाबाद में रहते हैं, विनय गोयल वगैरह कह रहे थे महाराज जी हमारे गांव घर में 200 मीटर चुका। मैंने कहा आपकी बात तो समझ नहीं, अगली बार जब आएंगे तो जरूर देख करके आएंगे भाई। तो आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था होलसी। इनके पिता ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे। उस विचित्र बालक को देखकर अनिष्ट की आशंका हुई तो पांचांग खोल करके बैठ गए और जो ही उसकी जन्म लगन देखा उसमें साफ लिखा हुआ था क्या, बाप यदि इसके मुंह के देखे तो बाप मरे और मां इसके चेहरे को देखे तो मां मरे। इसलिए पिता ने उसका चेहरा नहीं देखा, अपनी पत्नी को कह दिया इसको मार के लेके चली जाओ। क्या लेकिन चेहरा तो देख ही लिया। कुछ समय बाद पिता की मौत हो गई, मां ने चेहरा देखा तो मां मर गई। एक बेचारी चुनिया नाम की दासी थी, वो पालने लगी, लेकिन जब ये 5.5 वर्ष के हुए तो वो चुनिया भी मर गई। नाना के परिवार में गए तो नाना का परिवार सारा मर गया। देखिए जब समस्या आती है ना तो चारों तरफ से घेर। और एक बात कहूं, ये धन मिल जाना, ये ऐश्वर्य मिल जाना, बेटा पोता परिवार मिल जाना, ये भगवान की साधारण कृपा है।
और यदि विपत्ति आ जाए तो मानिएगा भगवान तुम्हें प्यार करने लगे। अब दुनिया को दूर हटाएंगे तेरे से क्या? ये बड़ा उल्टा फार्मूला है। लेकिन देखिए देखिए, इसको अपनाना है तो इसको सब कुछ बर्बाद करेंगे। पिता गुजर गई, माँ गुजर गई, जो दासी थी वो भी गुजर गई, नाना के परिवार में गए तो वो भी, कोई इसको घर में घुसने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यार जिसके घर में जाएगा उसका नाश करेगा क्या? कोई घर में घुसने नहीं दे रहा इसको। अब बेचारा रोड के ऊपर पड़ा है, मिट्टी खा करके गुजारा है। उस रास्ते से जिस पर ये पड़ा हुआ था उस पर श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री सैल पर रहने वाले नर हरियानंद जी महाराज उस रास्ते से जा रहे थे। देखा तो एक बच्चा रेत में पड़ा हुआ, उठा लिया उसको, क्योंकि हीरा रेत में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कहां जाएगी? हीरा यदि रेत में भी पड़ा तो अपनी चमक को दिखाएगा, क्या रेत से उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी? नहीं। तो देखा उसको, क्या उठा लिया उसने उसको, लोग भागे लगे, महाराज जी क्यों उसके चक्कर में पड़े? तुम्हारा आश्रम खत्म हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा पापी है ये, जो इसके मुख के दिखता वही मर जाता है। इसने पूरे परिवार को मार डाला, पूरे नाना के परिवार को मार डाला। लगे महाराज, महात्मा मुस्कुराए, कहा ये पापी है ना? कह रहे हाँ। तुम्हारे ठाकुर का नाम है पति देव। कितना बड़ा पापी नहीं है, जितना बड़े मेरे ठाकुर के नाम में पापों को मिटाने की शक्ति। इसलिए आप चिंता ना करो, चिंतन करो। ले लिया गोद, ले गए अपने साथ। अयोध्या में जाकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा, पहली बार उसको दीक्षा जब दी तो बगैर बोले ही इसने गायत्री मंत्र सुना। 5.5 वर्ष के बच्चे गायत्री मंत्र सुना बगैर बोले ही। महात्मा ने सोचा कुछ बिजनेस इसका, इसलिए वहां बैठा करके पहले इसको राम कथा सुना। लेकिन उसमें बालक था, क्या समझ? वहां से ले गए इसको बनारस से सनातन जी के आश्रम पर, और वहां जाकर के बोले वृंदावन बिहारी, वहां छोड़ दिया नर हरियानंद ने इसको। वहां जाकर के 15 सालों तक विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करके इसके मन में लोक वासना जाग उठी। और जो ही इसके मन में लोक वासना जागी, ये वापस अपने गांव राजापुरा, और वहां आकर के देखा तो पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। आकर के अपने परिवार का पिंडदान वगैरह किया, श्राद्ध वगैरह की, और एक भारद्वाज गोत्र की लड़की से शादी की जिसका नाम था रत्रा। और महाराज शादी होते ही अपनी पत्नी में इतने खो गए कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। भाई यदि मिलाने आता तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बिठा। एक दिन ये महाराज किसी का हवन वगैरह करने गए थे, क्योंकि पढ़ता ही करते, किसी का हवन वगैरह करने गए थे, पीछे से भाई आया और अपने बहन को लिवा ले गया। माँ बीमार थी, चाचा बीमार थे, जो भी था, और पड़ोसियों को चाबी देकर के चली गई कि सुबह आ जाएगी वो, इसलिए लेकर के चलेगी। आए तुलसीदास जी और आकर के जब पता लगा कि पत्नी है नहीं, तो महाराज पत्नी का वियोग रात भर न सह सके। क्यों? क्योंकि वो रो पड़ते थे अपनी पत्नी के सामने, ये कहकर कि मुझे दुनिया में कहीं प्यार नहीं, सभी ने मेरे को ठुकराया।
आज पहली बार मुझे प्यार मिला है, आप मुझे चुप करना चाहिए। रोते रोते अपनी पत्नी के सामने, और जब चली गई तो सह नहीं पाए, रात को ही भाग गई। यद्यपि बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी और सर्दी का मौसम, महाराज गए, आगे जाकर के देखा तो गंगा चढ़ी हुई पुल था। किंवदंतियां हैं कि वास्तविकता है, कहते हैं कि मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, उस मुर्दे के ऊपर बैठ गए और मुर्दे के ऊपर बैठ करके गंगा को पार कर, और पार करने के बावजूद वहां जाकर के देखा तो रात के 2 बजे थे, सारा परिवार सोया हुआ था, दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो कहते हैं कि पीछे कोई सर्प लटका हुआ था, सर्प को पकड़ के चले ऊपर, और जो ही सर्प को पकड़ के चढ़ा, जाकर के दरवाजा खुला, रत्नावली रत्नावली दरवाजा खोल, रत्नावली दरवाजा खोल, महाराज रत्नावली उठी और दरवाजा खोला, और जो ही दरवाजा खोला लगे स्वामी तुम, हाँ रत्नावली, टाइम क्या मैं देखा, कहा रत्नावली रह गई, दरवाजे चारों तरफ से बंद है, कहां से आए, दिखाया कि यहां से टोर्च लगा कर देखे तो सांप लटका हुआ, यहां से तुम्हें मौत से भी डर नहीं लगा, बस इतना देखते ही आक्रोश में आ गई रत्नावली, तुम्हें शरण नहीं, क्या कहेंगे घर के लोग, मैं सुबह आ ही नहीं जाती। और रत्नावली ने ऐसी डांट मारी, आज रत्नावली नहीं बोल रही थी, मानो भगवान की कथा को प्रेरित करने के लिए आज रत्नावली के अंदर से हनुमान जी बोल रहे थे, काश इस हार्ड मास के शरीर से, इस गंदगी भरे शरीर से मुझे इतना प्यार है, यदि इससे आधा भगवान से हो जाता तो कब की तेरी सदगति हो गई, कब की तेरी नैया पार हो गई। अस्ति चर्म मैं देहम तासन ऐसी, यदि होती भगवान से तो न होत भवी, तर जादे जन नहीं था, मानो वो शब्द घर कर, जब रत्नावली ने डांट मारी तो वहीं से नीचे उतरे और आकर के सीधे प्रयागराज आए, और प्रयागराज आकर के गृहस्थी वेश त्याग दिया, और गृहस्थी वेश त्याग करके सन्यासी बन, और सन्यासी बन करके तीर्थाटन करने लगे, और काशी में जाकर राम कथा कहने लगे, और जो ही राम कथा कहने लगे, आप जानते हो कि आज टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह गाड़ी बना ली गई, पहले तो सोच के लिए बाहर जाना पड़ता था, कमंडल वगैरह लेकर के, बोतल वगैरह लेकर के बाहर जाना पड़ता था खुले में, तो बाहर सोच करने जा रहे हैं तुलसीदास, और सोच का बचा हुआ जल एक वृक्ष कटा हुआ ठूंठ पड़ा था उसके ऊपर डाल दिया, और उस ठूंठ में रहता था एक प्रेत, और प्रेत को शुद्ध जल मिलता नहीं, अशुद्ध जल मिलता है, वो टॉयलेट का बचा हुआ जल जब उसमें डालते थे, एक दिन डाला, 2 दिन डाले, डालते डालते 15-16 दिन हो गए, तो एक दिन उसके अंदर से प्रेत प्रकट होते, गोस्वामी डाल के चले तो प्रेत प्रकट हुआ, और उसने आवाज, गोस्वामी जी ठहरिए ठहरिए ठहरिए, पीछे मुड़ के देखा तो सर कटा हुआ प्रेत पड़ा, कही प्रेत राज क्या ना कि यार तुमने मेरे को जल दिया है, कुछ मांगो ना, कुछ देने का,
तूने मेरे को तृप्त किया है, इसलिए आप भी तो मांगो कुछ मेरे से कि दे सकते हो। अरे हाँ दे सकता हूँ, एक ही इच्छा है बस। क्या? एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, एक राम घनश्याम है तू।